नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज मैं बंगालीज के एक बहुत ही फेमस स्वीट डिश बनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है छानार पायश। तो चलिए देखते हैं छानार पायश मैं कैसे बनाती हूँ। पहले मैंने एक पॉट में दूध ले लिया है। इस दूध को हमें थोड़ा पहले उबालना होगा। मैंने यहाँ पर ज़्यादा दूध नहीं लिया है। उबालने के बाद देखिए ये उबल चुका है, तो मैंने यहाँ पर 1.5 नींबू का रस तैयार करके रखा हुआ था, तो मैंने इसमें दूध में दे दिया है। हमें इस दूध का छेना बनाना होगा। देखिए यहाँ पर छेना बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको छानी में देके छाक लेंगे। अब इसके ऊपर हमें थोड़ा सा ठंडा पानी देना है और अच्छे से इसको प्रेस करके इसका जो जितना पानी है वो हमें निकाल देना है। फिर मैंने देखिए ये जिस पॉट में मैंने छेना बनाया हुआ था उस पॉट में मैंने फिर से छेने को डाल दिया है। इसको हमें क्या करना है, हाथ से बहुत अच्छे से मसलना होगा, जिससे कि एक भी दाना इसमें ना रहे। बिल्कुल सा पूरा जो ये जो छेना है बिल्कुल अच्छे से मसल जाए। देखिए यहाँ पर मैंने एकदम छेने को देखिए बिल्कुल मसल मसल दिया है। यहाँ पर एकदम क्रीमी टेक्सचर आ गया है इसमें। उसके बाद हम इसका छोटा छोटा बॉल बनाएंगे, बहुत ही छोटा छोटा करके बॉल बनाएंगे। एक तरफ हमने क्या किया है, एक अलग सा पॉट लिया है, उस पॉट में हमने और थोड़ा सा दूध लिया है। इस दूध को हमें क्रीमी टेक्सचर तक ले जाना होगा। इसको बहुत ज़्यादा उबालना होता है हमको, लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि ये काम आप एकदम लो फ्लेम में करना होगा, फ्लेम को हाई नहीं करना है। इससे दूध उबल के गिर जाता है, इसलिए हमको क्या करना होता है, एकदम लो फ्लेम में इसको रखना होता है और इसको उबलने देना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने जो छेना का बॉल है वो मैंने यहाँ पर तैयार करके रखा है। बहुत छोटे छोटे बॉल्स तैयार करने हैं, बहुत बड़े नहीं करने हैं, क्योंकि जब ये दूध में जाएंगे तो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, इसलिए हमें एकदम छोटा छोटा बॉल तैयार करना होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए दूध उबल चुका है अच्छे से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पता रहे कि नेक्स्ट मेरी वीडियो कब आने वाली है। अब हमने इसमें जो छेना के बॉल्स थे वो हमने ऐड किया है, क्योंकि इसे भी हमें थोड़ा टाइम देना होगा उबलने के लिए, इसलिए हमने इसे अभी ऐड किया है। पहले हमें दूध उबलने के लिए 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। उसके बाद हमें ये बॉल देने के बाद फिर 15 से 20 मिनट का टाइम फिर से लगता है, इसलिए हमको लो फ्लेम में ये तैयार करना होता है। जितने बॉल्स थे मैंने यहाँ पर सारे दे चुके हैं। देखिए सारे बॉल्स हमने दे दिया है यहाँ पर। अब हमें इसे कम से कम 15 मिनट इसको देना है उबलने के लिए। देखिए यहाँ पर बॉल जो है वो थोड़े बड़े साइज में हो चुके हैं। अब हमने इसमें शुगर दे दिया है, चीनी। यहाँ पर लगभग हमने 3 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप ज़्यादा दे सकते हो। यहाँ पर हमने कुछ काजू ले लिया है। काजू को हमको अच्छे से क्रश करना होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में क्रश करके हमें इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, जो जो बॉल है हमने दिया था, देखिए कितना बड़ा साइज हो चुका है यहाँ पर। ये एकदम स्पॉन्जी टाइप का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर काजू जो है वो हमने क्रश कर लिया है। थोड़ा सा हल्का हल्के हाथ से थोड़ा सा हम मिला देंगे, बहुत ज़्यादा आपको नहीं चलाना है, जिससे कि ये बॉल टूटने का डर रहता है। अब हमको इसको 15 से 20 मिनट का टाइम देना होता है इसे अच्छे से और अच्छे से पकने के लिए, जिससे कि दूध जो है वो भी क्रीमी टेक्सचर का हो जाएगा और ये जो बॉल्स है
वो भी पूरे पक्के रेडी हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको ढक देंगे, ढक के आधे घंटे के लिए रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडा हो जाए तो आप फ्रीज में रख सकते हो और एकदम ठंडा ठंडा आप इसे सर्व करके खा सकते हो। देखिए यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है, दूध बिल्कुल एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ चुका है। आज बस यही तक, धन्यवाद।